एक्सपोनेंशियल है, किसकी एक्सपोनेंशियल है, क्या है? इसमें वेरिएबल एक्स के बाद दिखाई दे रहा है। तो बाकी अगर कोई सवाल आ गया दूसरे फॉर्म में, इसका अर्थ तो उसको अलजेब्रिक में बदलना होगा। बदलने का तो तरीका क्या है? सब्स्टिट्यूट। क्या है तरीका? उसको जेड मान लेंगे तो ना अलजेब्रिक में कन्वर्ट होगा। तो चलिए इसी पर एक सवाल बताते हैं कि दोनों तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, 28 का एक नंबर। कब नहीं दीजिए? ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अलजेब्रिक का होकर क्या हो गया? और जब भी अलजेब्रिक को छोड़ दो कुछ भी रहेगा, जैसे ईएक्स दिखाई देगा, एक्सपोनेंशियल, बहुत कुछ भी आपको पहले मान लेना होगा। देखिए साइन एक्स को मानेंगे जे, इसका डिफरेंशिएशन कॉस, बोलिए नहीं सुनिए, केवल कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी जे। तो इस तरह से व्यवस्था ही रहता है कि हम जब मानिए अगर डिफरेंशिएशन आना चाहिए थे, लेकिन ऊपर डिफरेंशिएशन किया गया और अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया। नहीं बोलिए नहीं, इसके बाई जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड प्लस, अब आ गया अलजेब्रिक। अब पूर्ण वर्ग में लाने के लिए जेड स्क्वायर का गुणांक तो वन है, तो एक कॉमन ले नहीं ले, एक ही बात हो गया। तो जेड स्क्वायर सबसे पहले तो हमें यहाँ दो लिख देंगे, उसके बाद वेरिएबल का ही नाम जेड हुआ। अब जो बच गया उसमें दो से बाहर है, तो सिक्स में जब दो से बाहर निकले क्या होगा? समझ में आया आपको? तब तक तीन दूनी, और अब इसका वर्ग हम जोड़ दिए और इसका वर्ग हटा दिए।